तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं प्लिंथ बीम को लेकर, प्लिंथ बीम का साइज क्या होना चाहिए, प्लिंथ बीम में कितना का सरिया डालना चाहिए, प्लिंथ बीम किस लेवल पे डालना चाहिए, प्लिंथ बीम को लेकर जो जो डाउट होता है वो सब चीज आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और इसी को मान के अपना घर का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और उस पर प्लिंथ बीम को प्रोवाइड करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी, क्रैक्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सीपेज वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे, पानी का जो प्रॉब्लम होता है घर में घुस जाने का वो सब प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देख लीजिएगा। मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज प्लिंथ बीम को लेके जो है कि साइज कितना प्रोवाइड करना पड़ता है। तो कभी भी एक प्लिंथ बीम को अगर आप प्रोवाइड करते हो तो उसका जो मिनिमम साइज अगर मैं बताऊं तो मिनिमम साइज आपका 9 इंची बाई 9 इंची का होता है, जो कि मेरा कॉलम का साइज होता है। कॉलम इससे कम आप नहीं दे सकते हो, ठीक है, इससे कम देना भी नहीं चाहिए। तो जो बीम होगी ना वो भी तो कॉलम के साथ जाके फ्लश करेगी, तो बीम जो है मिनिमम आपका 9 इंची बाई 9 इंची का होना ही चाहिए। मतलब ये आपका बीम है 9 इंची आपका ये हो गया और जो डेप्थ है ये भी 9 इंची, ठीक है। थोड़ा अगर ज़्यादा हेवी लोडेड हो जाता है, 3 तला 4 तला में अगर जाते हो आप तो कोशिश करना चाहिए कि ये 9 इंच बाई ये 9 की जगह 12 इंच कर देना चाहिए। ये कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मिनिमम इससे कम तो कभी देना ही नहीं है। अगर थोड़ा ज़्यादा मजबूत करना है नीचे वाला बेस को, अगर आप ज़्यादा अच्छा सपोर्ट देना चाहते हैं अपने फाउंडेशन को, अपने बिल्डिंग को, तो 9 इंच बाई 12 इंच आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई साइज को लेकर बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा यहाँ पर लेवल को लेकर। लेवल को लेकर अक्सर बहुत माथापच्ची रहती है, जो कि एकदम बेसिक चीज है। मैं अपने वीडियो में बार बार बताया हूं आप लोगों को, जब भी आप लोग प्लिंथ बीम का लेवल जब फिक्स करते हो, ठीक है, प्लिंथ बीम कौन सा लेवल हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है? जिस लेवल से आप रहना चालू करोगे, जिस लेवल पर आप रहना चालू करोगे। ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, मैक्सिमम केसेस में नहीं होती है जरूरी, मैक्सिमम केसेस में ये सेम नहीं होती है, ठीक है। ग्राउंड लेवल अलग हो गया, जो कि हम लोग नॉर्मल चलते हैं रोड पे, हाँ वो आपका एक ग्राउंड लेवल हो गया। लेकिन प्लिंथ लेवल जिस पे आप अपने सीढ़ी पे चढ़ के जब घर में रहना चालू करते हो, आपका घर का जो ग्राउंड फ्लोर है अंदर का घर का, वो है आपका प्लिंथ लेवल। समझ में आया? तो प्लिंथ लेवल कितना रखना चाहिए, तो हमेशा मैं बोलता हूं आप अपने आसपास के जो रोड है उस रोड को देख लीजिए। उस रोड से कम आप 1.5 से 2 फीट आप उठा कर रखिए। 2 फीट उठा कर रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, अगर आपके पास ऑप्शन है, खर्चा ज्यादा हो जा रहा है क्योंकि जितना आप उठा दोगे आपको फिलिंग भी करनी पड़ेगी, फिलिंग वगैरह करना पड़ेगा, उतना ब्रिकवर्क अंदर में कंपार्टीशन देना पड़ेगा, इन सब का खर्चा बढ़ जाता है। तो 1.5 फीट तो कम से कम दीजिए, ठीक है। तो लेवल ऑलवेज रखिएगा, लेवल फ्रॉम रोड, आपको रोड देखना है, रोड से आपको वहां से उठाकर रखना है, कम से कम आपको 1.5 फीट यानी कि 1.5 फीट से लेके 2 फीट आपको कम से कम उठाकर रखना है। 2 फीट रखोगे तो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 1.5 से 2 फीट, इससे कम तो मत रखना, ज्यादा रखो और अच्छा रहेगा, ठीक है। जितना ज्यादा रखोगे, अब जितना ज्यादा का मतलब ये नहीं कि 4 फीट 5 फीट उठा के रख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये जरूर फॉलो करना है 1.5 से 2 फीट। बहुत जन का होता है ना कि खेत उत में घर बना हुआ रहता है, तो वहां पे लेवल क्या है कि डाउन है। मान लीजिए ये रहा आपका खत का लेवल और रोड जा रहा है ऐसे, तो ये है आपका रोड लेवल और ये है आपका खेत का लेवल जहां पे आपको घर बनाना है। तो पहले तो आपको रोड लेवल तक पूरा फिलिंग करना है, ये फिलिंग कर लिए, अब इससे आपको और 1.5 से 2 फीट ऊपर लेवल उठाकर तब घर को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तभी जाके वो सही रहेगा। वरना क्या होगी, बार बार का पानी वानी आया रोड लेवल पे, यहाँ जब पानी भरना चालू करेगा ना तब ये घर के अंदर घुस जाएगा। इसलिए ऑलवेज रोड लेवल से 1.5 से 2 फीट ऊपर उठा के ही बनाना चाहिए, ठीक है। 2 फीट 2.5 फीट उठा के ही बनाइए, क्योंकि फ्यूचर आप नहीं देखे हो, फ्यूचर के साथ रोड लेवल क्या होता है, धीरे धीरे उठता जाता है। और घर तो आप एक बार बनाओगे, बार बार तो नहीं बनाओगे ना, इसलिए ये चीज़ को ध्यान रखना वहाँ पे बहुत जरूरी है। बहुत जन का एक समस्या यहाँ पे रहेगा कि सर अगर हम लोग घर ज़्यादा उठा देंगे और पार्किंग भी हम लोग करना है तो पार्किंग कहाँ पर देंगे? तो पार्किंग के लिए आप जनरली स्लोप दे सकते हो। अगर स्लोप देने का जगह नहीं है तब आप लोग क्या कर सकते हो कि पार्किंग का लेवल रोड से हल्का सा उठाइए, हल्का सा, ठीक है, जैसे 4 इंची 5 इंची 6 इंची आप उठा के बना दीजिए, लेकिन घर का लेवल तो ऊपर ही बनाना है। घर जो रहेगा वो आपका 1.5 से 2 फीट लेवल
उठ के ही बनेगा अपने रोड लेवल से, ठीक है। और इस रोड लेवल से थोड़ा सा हल्का उठा के ये पार्किंग जो है वो आप बना दीजिए, अगर वो प्रॉब्लम आपका है तो। पार्किंग का लेवल डाउन रहेगा और आपका घर ऊपर से चालू होगा। और जो फर्स्ट फ्लोर का है वहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कॉलम थोड़ा बड़ा रहेगा, यहाँ पर कॉलम जाकर फिर वापस से छोटा हो जाएगा। समझ में आ गया, इस तरीके का डिज़ाइन आप लोग कर सकते हो। अब इसका अब ये मैं बता दिया ही, कॉलम यहाँ बड़ा है कॉलम छोटा है, तो इस हिसाब से इसको स्ट्रक्चरली सेप भी करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर वैसे ही डिज़ाइन करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं बात क्लियर हो गया है। यहाँ पे और एक चीज़ आपको लेवल देते वक्त समझना है कि अगर आपका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, तो आप लोग को दो बीम प्रोवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए ये फाउंडेशन है आपका, ठीक है, ये फाउंडेशन है और ये आपका हो गया एक बीम, और ये ऊपर जाके हुआ और आपका एक बीम। तो अगर आपका फाउंडेशन से जो एकदम ऊपर आपका प्लिंथ लेवल का जो लेवल होने वाला है वो अगर आपका 6 से 8 फीट हो जाता है ना, तो आपको दो बीम देना होगा, एक ग्राउंड लेवल देना होगा, बीम को तो देना है ही, और ग्राउंड जब आप अपने प्लिंथ का जो लेवल चालू करोगे वहाँ भी आपको एक बीम देना पड़ता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आपका 6 से 8 फीट जब हाइट वो मैच करता है, तो बहुत कोई नहीं देते हैं। और इसके केस में आप लोग कितना सारा एक्सीडेंट देखे होंगे, जब मिट्टी का लोड का प्रेशर से क्या होता है कि पूरा घर ही ढह जाता है, अभी हाल ही में हुआ था। तो ये सब चीज़ें से बचने के लिए आपको ये प्रोवाइड करना है। ये जो प्लिंथ बीम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्चुअली इसको जो टेक्निकल नेम है ना, इसको टाई बीम कहा जाता है, ठीक है। ये टाई बीम है मेरा, ये भी टाई बीम है, ये भी आपका टाई बीम है, बस लोकेशन के अनुसार इसका हम लोग बोल रहे हैं कि ये ग्राउंड लेवल का बीम हो गया, ये प्लिंथ बीम हो गया। ये प्लिंथ लेवल है इसलिए प्लिंथ बीम बोल रहे हैं, ये ग्राउंड लेवल है इसलिए ग्राउंड लेवल का बीम बोल रहे हैं, लेकिन बोला जाता है टाई बीम ही, क्योंकि वो आपके प्रोजेक्ट को बांध के रखता है, बांध के रख रहा है, टाई करके रख रहा है, इसलिए टाई बीम का नाम है। तो ये चीज भी आपका क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पर, वो है स्टील डिटेल के बारे में, कि क्या है स्टील हम लोग को प्रोवाइड करना होगा उस प्लिंथ बीम में, ठीक है। तो स्टील डिटेल देख लीजिए क्या बताता हूं मैं। जो भी आपका यहाँ पे जो सरिया हम लोग प्रोवाइड करेंगे ना, ऊपर में 2 रहेगा, नीचे में 2 रहेगा, यानी कि आपको कम से कम आपको 4 प्रोवाइड करना ही है T12, ठीक है। 4 प्रोवाइड करना है T12, यानी कि ये जो 4 प्रोवाइड किए ना, 2 ऊपर 2 नीचे, इसका डाया कितना होगा 12 mm का, ठीक है। 12 mm का डाया हम लोग को प्रोवाइड करना है। और जो इसमें हम लोग रिंग प्रोवाइड करेंगे, जो हम लोग इसमें स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे, वो स्टीरअप्स का डाया कितना होगा, वो होगा आपका T8 एट द रेट 6 इंची सेंटर टू सेंटर, ठीक है। 6 इंची सेंटर टू सेंटर यानी कि आपको कम से कम 150 सेंटर टू सेंटर पर प्रोवाइड करना है। क्लियर हो गया, इस तरीके से आपको बीम में प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो मेन बार होगा आपका, वो आपको क्या है 12 mm का देना है, कम से कम 12 mm से कम का आपको नहीं देना है। बहुत कोई पैसा बचाने के लिए 10 mm का डाल देते हो, नहीं, 12 mm आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। और 8 mm का सरिया आपको 6 इंची सेंटर टू सेंटर पे एक बीम में, जैसे ये बीम है, बीम में जो हम लोग स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे, तो ये एक स्टीरअप से दूसरे स्टीरअप्स के बीच का 6 इंची प्रोवाइड करना है। तो इस तरीके से हम लोग ये स्टील प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, कि हम लोग जब भी डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं ना, मतलब ये कॉलम बीम जंक्शन होता है, ये कॉलम, ठीक है, और ये मेरा टाई बीम आकर, ये टाई बीम आकर क्या हुआ, कॉलम के संग मैच कर रहा है, इन कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो बीम का जो लोहा है सीधा ला के ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये सीधा ऐसे ही नहीं छोड़ना है, ये आपको डेवलपमेंट लेंथ देना है, मतलब ला के आपको ऐसे घुसाना है, नीचे वाला भी ऐसे ले आके आपको ऐसे करना है। अगर ये नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो एंकर कैसे करेगा, आपको तो एंकर भी करना है ना कॉलम के साथ उसको। तो क्लियर है, आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना ही है, ये नहीं कि छोटा सा नीचे हम लोग बीम प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं देंगे उसमें, बीम हो या छोटा सा चीज़ कुछ भी हो, अगर वो बीम है, अगर वो कॉलम है, हम लोग को डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना ही है, जहां पे उसको प्रोवाइड करना होगा। समझ में आ गया, तो ये आपको देना पड़ेगा एलडी। तो उम्मीद करते हैं ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब जो एक नया आप लोग को एक कंफ्यूजन रहती है, कि हम लोग प्लिंथ बीम पर जब हम लोग बीम प्रोवाइड कर दिए तो हम लोग उसमें डीपीसी करें या कि नहीं करें, ठीक है। डीपीसी डैम्प प्रूफ कोर्स, जिसका फुल फॉर्म होता है डैम्प प्रूफ कोर्स, ये प्रोवाइड बहुत कोई क्या करते हैं, नहीं करेंगे, क्योंकि हम बीम प्रोवाइड कर ही दिया आरसीसी का। भाई ऐसा नहीं करना है, अगर आप भले प्लिंथ बीम कर दिए, लेकिन अगर आप प्रोवाइड नहीं करोगे डीपीसी तो प्रॉब्लम हो जाएगी भैया। क्यों? तो आपको बीम काटना पड़ जाएगा। जनरली क्या देखा जाता है, मान लीजिए आपका ये प्लिंथ लेवल है, ये प्लिंथ लेवल का बीम है, ठीक है, मतलब आपका इसी फ्लोर पर सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह सब चालू होने वाला है, सारा कंस्ट्रक्शन इसी पर ना होगा आपका,
तो जब टॉयलेट आप बनाओगे ना, टॉयलेट का जब प्लम्बिंग का पाइप वाइप करोगे तो देखना आपको बीम काटना पड़ जाएगा, यहाँ पे जो बीम रहेगी उसमें आपको होल करना पड़ेगा। तो बीम में होल करना, कोर कटिंग करना, ये सब अच्छा चीज़ नहीं है, समझ में आ गया? क्योंकि आप लोग जनरली एक दो तल्ला घर बना रहे हो ना, स्ट्रक्चरल डिजाइनर से आप लोग कुछ कंसल्ट करवाए हो ना कुछ करवाए हो, तो ये सब चीज़ करना ठीक नहीं है एकदम। इसलिए आपको क्या करना है, प्लिंथ बीम जो बना दोगे उसके ऊपर में आपको यहाँ पे एक, आप एक फीट का कम से कम ब्रिकवर्क कीजिए। ब्रिकवर्क के ऊपर में आपको डीपीसी करना होता है, ठीक है? ब्रिकवर्क अगर आप कर दिए तो क्या होता है कि देखिए, इतना तो आपको फिलिंग करना पड़ेगा, ये मट्टी से फिलिंग रहेगा ना। अब फिलिंग है मतलब मट्टी है, मट्टी है मतलब यहाँ पे आपका मॉइस्चर है, मॉइस्चर है मतलब पानी है। अब पानी का एक पावर होता है, वो कैपिलरी एक्शन से क्या होता है, धीरे धीरे आपके स्ट्रक्चर में क्या होगा कि धीरे धीरे आपका दीवार पर चढ़ना चालू कर देगा। उसी चीज़ को रोकने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, प्रॉपर डीपीसी करना होता है। अब देखिए, बहुत कोई डीपीसी क्या करते हो ना, जैसे मैं बना के अगर दिखाऊं, ये स्ट्रक्चर है, ये मेरा प्लिंथ बीम हो गया, इसके ऊपर मैं अगर यहाँ पे ब्रिकवर्क करते हो तो ब्रिकवर्क, उसके ऊपर मैं डीपीसी, ठीक है? तो मैं इसको मान लेता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ, ये बीम ही मैं मान लेता हूँ कि आपका यही वाला डीपीसी एकदम ऊपर वाला। अब बहुत कोई क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर में क्या करते हैं, यहाँ पे खाली डीपीसी करवाते हैं एक इंची का, ठीक है? ये ठीक नहीं है। देखा जाए तो मट्टी तो यहाँ भी भरा हुआ है, आपका मट्टी यहाँ भी भरा हुआ है ना, तो क्या करना चाहिए आपका, आपका स्ट्रक्चर ख़राब ना हो इसलिए डीपीसी को ऐसे तो करना ही है, साइड में यहाँ पर भी करवाना पड़ता है। अगर ये प्रॉपर करवा दोगे डीपीसी अच्छी तरीके से, और साथ में डीपीसी कराने का मतलब कॉन्क्रीट तो है ही यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को वहाँ पर वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन भी लगाना पड़ता है, वाटर प्रूफिंग शील्ड आती है वो लगाना चाहिए, उसको हीट करके पेस्ट करवाना चाहिए ताकि वाटर प्रूफिंग से वो प्रॉपर बना रहे। आपका ये प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम के ऊपर ब्रिकवर्क, ब्रिकवर्क के ऊपर में आपका डीपीसी, ठीक है? ये डीपीसी आपको साइड में ये पीसीसी क्या करना है, ये साइड में आपको पीसीसी करना है, इसके ऊपर में वापस से एक लेयर आपका वाटरप्रूफिंग का जो मेम्ब्रेन होता है, फिलामेंट मेम्ब्रेन, वो आपको लगाना पड़ेगा ताकि मट्टी का इस पे प्रकोप कम रहे, यानी कि जो पानी है ना वो सीपेज होकर ऊपर ना चढ़ पाए, वरना क्या होगा कि डैम आएगी घर में, सीपेज होगा, व्हाइट व्हाइट पैचेस आप देखते हैं ना, वो एफ्लोरेसेंस होते हैं, यानी कि मट्टी में अगर सॉल्युबल सॉल्ट्स रहता है, घुला हुआ नमक जो होता है वो अगर प्रेजेंट है वहां पे, तो धीरे 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 क्या होगा, अभी नहीं, दो साल तीन साल बाद आपके घर में क्या होगा, दिखेगा सादा सादा नोना लग जाएगा, एफ्लोरेसेंस लग जाएगा, जिसको हटाने के लिए आपको अलग अलग तरीके के केमिकल लगाने पड़ेंगे, और मैक्सिमम टाइम में वो नहीं जाता है, ठीक है? बहुत रेयर केस होते हैं, 20-30% चांस है जो आप उसको हटा सकते हो, वरना पूरा तोड़ो, प्लास्टर छोड़ा हो, बहुत कुछ है, इमली का सॉल्यूशन है वो सब डाला जाता है, अभी मार्केट में बहुत सारे केमिकल आते हैं वो सब डालना है, तो क्यों ना हम लोग इनिशियल स्टेज में ही ये थोड़ा सा खर्चा कर दें ताकि फ्यूचर में वो देखने को ही ना मिले, ठीक है? तो समझ में आ गया, तो हम लोग को डीपीसी डालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग का, पांचवा नंबर पॉइंट जो कि है, हम लोग को प्लिंथ जो बीम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन से लेवल में प्रोवाइड करेंगे, और क्या सारा कॉलम को कनेक्ट करेंगे? जी हाँ, कनेक्ट ऑल कॉलम। ये बहुत कोई बोलते हो कि जरूरत नहीं होता है करने का, लेकिन मैक्सिमम फेलियर ना इसी कारण से होती है, बाकी कारण मैक्सिमम फेलियर का रीज़न नहीं होता है। मैक्सिमम फेलियर का रीज़न ये कनेक्ट ऑल कॉलम को वो नहीं करते हैं। मान लीजिए ये मेरा एक प्लान है, ठीक है? इसमें ये कॉलम है, ये कॉलम आ गया, ये कॉलम आ गया, ये कॉलम है आपका, और बीच में भी कॉलम है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बाहर वाले में आपका प्लिंथ बीम प्रोवाइड कर देते हैं, बाहर वाले में से प्लिंथ बीम प्रोवाइड कर दिए, ठीक है? लेकिन बीच में जहाँ जहाँ मेरा कॉलम था उसको कनेक्ट नहीं करते हैं, उसको कनेक्ट ही नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है? यही तो सबसे बड़ा मेन रीज़न है। जब इसके अंदर हम लोग मट्टी फिलिंग करेंगे तो सारा प्रेशर क्या होता है ना, इस बीम के ऊपर, इस बीम के ऊपर, इस बीम के ऊपर, इस बीम के ऊपर चला जाता है, और यही रीज़न है कि वो फेल हो जाता है। अब बीच में बीम प्रोवाइड करो, ये किस लिए कॉलम है, जहाँ जहाँ कॉलम है वहाँ वहाँ आपको ये बीम प्रोवाइड करना है, वहाँ वहाँ ये बीम प्रोवाइड करना है। अगर आप लोग छत पे प्रोवाइड करते हो तो ऐसा करते हो क्या, छत में ऊपर वाले फ्लोर में सिर्फ बाहर का आप लोग बीम प्रोवाइड कर दिया, बीच में कहीं प्रोवाइड नहीं करते हो? नहीं, ऐसा नहीं ना करते हो। जहाँ जहाँ मेरा कॉलम है हर कॉलम को आप बीम से कनेक्ट करते हो। सेम तरीका है मेरा नीचे भी, अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, देखिए मैं सेक्शन अगर बना के दिखाऊँ, ये सेक्शन है मेरा, ठीक है? ये आपका एक बीम आया यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड लेवल पे, उसके बाद आप ऊपर से गए, फिर ये आपका आया ये प्लिंथ लेवल, ये प्लिंथ लेवल आया ना, ठीक है? तो ये लेवल जो है ये पूरा कनेक्ट होगा आपका, जितना जितना कॉलम बन रहा है सब में, साथ में प्लिंथ लेवल वाला जो बीम है वो भी सारा कॉलम से आपस में कनेक्ट होगा। और इस बीच जो हम लोग मट्टी भरते हैं ना, ये मट्टी भरते हैं, ये मट्टी अगर हम लोग ये सारा बीम को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि इतना ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर मारेगा, इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर मारेगा कि तोड़ ही देगा उसको। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, हम लोग को सारा कॉलम को कनेक्ट करना है, और जो बीम प्रोवाइड करना है वो दो लेवल में करना है। अगर ज़्यादा डेप्थ हो जाती है, 6 फीट से 8 फीट लेवल, जनरली देखने
को मिलता ही है, तो आप लोग को दो लेवल में डालना ही है, एक ग्राउंड पे तो देना ही देना है और एक प्लिंथ लेवल आपका जहाँ से चालू होगा वहाँ आपको देना है, मतलब इस तरीके से आप लोग को आगे काम को एग्जीक्यूट करवाना है। तो कनेक्ट ऑल कॉलम, ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी पॉइंट है। इसके बाद आप लोग को एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, आप लोग समझते हो कि आप लोग बोलते हो कि हम लोग को क्या प्लिंथ बीम के नीचे में या ऊपर में क्या हम लोग को ब्रिक वर्क करना चाहिए, ब्रिक वर्क अबव एंड बिलो प्लिंथ बीम, ठीक है। तो इसका भी सबसे बड़ा मेन रीज़न है, आपको करना ही होगा, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है फेल होने का। ब्रिक तो करना ही होगा, वरना आप सॉइल का जो प्रेशर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जैसे अगर मैं समझाऊं आपको, जैसे ये प्लान है, हम लोग चारों तरफ से बीम प्रोवाइड कर दिए और मैंने आपको बोला कि बीच में भी प्रोवाइड कीजिएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ कॉलम होता है, जैसे ये कॉलम अगर यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर एक कॉलम, यहाँ एक कॉलम है, यहाँ एक कॉलम है, वो उस समय तो रहेगा ही वैसे। तो जब ये बीम प्रोवाइड कर दिए तो ये बीम के नीचे में तो खाली है, बीम के नीचे खाली है, बीम के ऊपर खाली है और मट्टी से भरा हुआ है। तो हम लोग क्या करना है, इस बीम के ऊपर में जहाँ तक ज़रूरत है ब्रिक वर्क प्रोवाइड करेंगे, इस बीम के नीचे में भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर ये फुटिंग देखेंगे, ये फुटिंग तो इस तरीके से ये फुटिंग दिख रहा है, ये मेरा बीम है, ठीक है, ये मेरा बीम चला गया ये दूसरे वाले कॉलम से, ये कॉलम है मेरा, यहाँ पे ये कॉलम है, ये फुटिंग है, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट में आपको क्या करना होगा, ब्रिक वर्क करना होगा, ये नीचे वाला पार्ट में आपको ब्रिक वर्क करना होगा। ये वाला पार्ट कहाँ है, ये बीम के नीचे का पार्ट है, ये बीम का नीचे का पार्ट बता रहा हूँ, जहाँ पे आपको ब्रिक वर्क करना ही करना है, वरना ये जो यहाँ पे सॉइल फिलिंग होगी वो सॉइल फिलिंग डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, उसका लोड कुछ ये वाला ब्रिक वर्क लेके क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यहाँ पे जो सॉइल रहेगा वो क्या करेगा, अपना प्रेशर जो है यहाँ पे जो ब्रिक वर्क था उस पे डालेगा, वो ब्रिक क्या करेगा, बीम पे प्रोवाइड करेगा, बीम के थ्रू नीचे फुटिंग में चला जाएगा। तो आपको ब्रिक वर्क भी करना ही करना है, ये सब थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने के लिए आप अपना घर जो है कमज़ोर बनवा देते हो। तो ब्रिक वर्क आपको करना ही करना है, आपके प्लिंथ बीम के नीचे भी, और जरूरत पड़े जितना ऊपर आप रखना चाहते हो उतना है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग कुछ पैसा बचाने के लिए नहीं करते हो, जो हम लोग बैक फिलिंग करने वाले हैं, जो हम लोग बैक फिलिंग करेंगे ना, वो किस चीज़ से करेंगे। बहुत कोई पैसा बचाने के लिए आप लोग मट्टी से कर देते हो, कहीं से रबिश वगैरह खरीद के ला के उससे कर देते हो, तो नहीं, ये सब नहीं करना है। आपको ऑलवेज जो है ना वो सैंड फिलिंग करनी है, और सैंड में भी कोशिश कीजिएगा सिल्वर सैंड हो, तो आपका पैसा कुछ बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सैंड फिलिंग ऑलवेज सिल्वर सैंड से आप लोग कीजिए, यानी कि मेरा कहने का मकसद ये कि फिलिंग करना है आपको तो सैंड से फिलिंग करना है। एक तो सबसे बड़ा खास बात का ये क्या है ना, कि आपका जो ये है ये खुद सिर्फ कॉम्पैक्टेड है, पानी डालिए अपने आप बैठते जाएगा, ठीक है। बारिश वारिश होगा तो दहने वहाने का डर नहीं है आपका, ये एकदम एक जगह सेटल रहता है। खासकर इसका सबसे और एक बड़ा ये है, सेल्फ कॉम्पैक्शन तो मैंने जो बताया वो तो है ही, एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एकदम टर्माइट फ्री होता है। टर्माइट यानी कि चूहा वगैरह जो भी हो गया, कीड़ा वगैरह हो गया ना, ये इसके अंदर नहीं घर बनाते हैं, वो समझ गया क्या। मिट्टी उट्टी रहेगा तो काट उठ के अंदर बना लेगा, लेकिन जो टर्माइट है चूहा वगैरह हो गया, सांप वगैरह हो गया, ये लोग अपना बिल कभी भी अगर सैंड से फिलिंग कुछ किया हुआ है उसके अंदर वो बिल बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ढह जाएगा। और वो लोग ये समझते हैं, आदमी से भी ज़्यादा चलाक होता है वो लोग, वो ढह जाएगा, थोड़ा भी पानी वानी का कुछ ही आया, मॉइस्चर आया, वो बड़ा बैठ जाएगा वहाँ पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, टर्माइट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है ये सैंड, ठीक है। इसलिए सैंड में वो लोग कभी भी घर नहीं बनाते हैं, तो टर्माइट से घर हमेशा के लिए फ्री हो गया अगर आप सैंड फिलिंग करवा दिए तो। चूहा हुआ वहाँ घर बनाएगा ही नहीं, क्योंकि वो दबके ही अंदर मर जाएगा, वो जानता है ये चीज़। इसलिए वो लोग मट्टी में घर बनाते हैं, सैंड में कभी नहीं बनाते हैं। देख लीजिएगा, बाहर मट्टी रखा हुआ है तो बहुत सारा कीड़ा अंदर घर बना लेगा, लेकिन सैंड अगर रखा हुआ है तो उसके अंदर कुछ नहीं करेगा वो लोग, ये चीज़ है। तो ये थे आज के बारे में, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। आप लोग को वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा, और इसी तरीके का वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो जरूर मुझे बताइए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इस तरीके के वीडियोस भी आप लोग के लिए लेके आऊँ। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए गाइस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।